नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। संबल में बाबू की मूर्ति पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे सपा के कार्यकर्ता। संबल से समाजवादी पार्टी के नेता गालिब खान और उनके समर्थकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सभी महात्मा गांधी की प्रतिमा को पकड़कर बापू बापू कहते हुए रोते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले साल 2019 में ठीक ऐसे ही फिरोज खान ने कुछ इसी अंदाज में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी थी। गालिब सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बाबू 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 देश इधर आज नगर बिलारी में MAJMI इंटर कॉलेज के अध्यापक और छात्राओं ने महात्मा गांधी की जयंती पर निकाली रैली और लगाए भारत माता की जय के नारे। अध्यापिका सुधा शर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमें गांधी जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। इस अवसर पर सुधा शर्मा, कमलेश, रजनी, नेहा, अध्यापिका सहित बड़ी संख्या में व छात्र व छात्राएँ मौजूद रहे। गांधी जी के सिद्धांतों पर अमल करना चाहिए। 2 अक्टूबर के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं। मैं MAJMI कॉलेज की मैनेजर के तौर पर मैं हर बच्ची का बहुत खास ध्यान रखती हूँ। मेरा काम लड़कियों पर विशेष ध्यान देना। मैम, आज जैसे 2 अक्टूबर है, जब गांधी जी की जयंती है, तो आपने आज बच्चों को क्या क्या गांधी जी के जयंती पर प्रकाश डाला और बच्चों को क्या गांधी जी के प्रकाश के बारे में बताया? हमने गांधी जी के बारे में बच्चों को बताया कि गांधी जी के हमें सिद्धांतों पर चलना है, सच्चाई के रास्ते को अपनाना है और जो है सभी उनके विचारों पर चलेंगे तो हम आगे चल कर तरक्की करेंगे और हमें स्वदेशी चीज़ें अपनानी हैं, उनके बनाए हुए स्वदेशी दवाइयाँ, क्योंकि हम भारत देश में पैदा हुए हैं, इसी की मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी की मिट्टी से ही हमारा शरीर बना हुआ है और ये दवाइयाँ जो बनती हैं आयुर्वेदिक की, हमें उन पर आगे चलकर विश्वास करना है। और गांधी जी जयंती पर आप जनता से क्या संदेश देना चाहती हैं कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, गांधी जी की सरकार पर क्या क्या लोगों को चलना चाहिए, आपका क्या संदेश है जनता के बारे में? हमारे जनता के बारे में संदेश है, हमें गांधी जी के नियमों पर चलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते को अपनाना है, सबसे मेन ये है, और स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है।